अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ मिस खटक। आज हमारे पास प्रॉब्लम है नान, ये हमारे पास आर की पूरी वी के बाबर की बुक से हैं। प्रॉब्लम नंबर 9, चैप्टर नंबर 1 आई थिंक हमारे पास। तो इसके हमारे पास प्रॉब्लम है कि द डेंसिटी ऑफ द बी सी सी आयरन एस 7.9 एक्सपोनेंशियल 3 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर इन द एटॉमिक वेट 1356। कैलकुलेट द साइज ऑफ द यूनिट सेल। साइज ऑफ द यूनिट सेल हमने फाइंड करना है। तो साइज ऑफ द यूनिट सेल हमारे पास क्या होता है? ए, जो हमने यूनिट सेल्स का साइज होता है हमारे पास ए बी सी होता है, जैसे हमने पहले प्रॉब्लम में भी सॉल्व किया था। मगर एक चीज़ हमारे पास इधर जो पहले जैसे हमने प्रॉब्लम 8 में सॉल्व किया था एफ सी सी था, अब ये हमारे पास बी सी सी था। बॉडी सेंटर क्यूबिक है हमारे पास, पहले हमारे पास फेस सेंटर क्यूबिक था। तो बॉडी सेंटर क्यूबिक के लिए जो हम एन फाइंड करते हैं वो थोड़ा डिफरेंट है, बाकी चीज़ हमारे पास फार्मूला वही है। ए हमने फाइंड करना है, तो ए के लिए हम क्या करेंगे, ए क्यूब इज इक्वल टू एम एन और रो एन। तो देखो एन हमारे पास नहीं है, तो एन के लिए हमारे पास ये फार्मूला जो हमें पता है, एन इज इक्वल टू एन इन टू बॉडी प्लस फेस ओवर टू प्लस कॉर्नर ओवर एट। अब ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब क्योंकि बॉडी है और एक ही हमारे पास यूनिट सेल है एक, तो बॉडी नंबर ऑफ बॉडी हमारे पास 1 आ जाएगी। फेस हमारे पास, फेस का कोई जिक्र नहीं है, तो हमारे पास 0 आ जाएगा प्लस 8 और 8। तो ये भी हमारे पास देखो क्यूबिक है, जैसे हम क्यूब ड्रा करते हैं ना, ये जैसे हम क्यूब ड्रा कर रहे हैं, ये क्यूब ड्रा करते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया, ये इसको हमने ऐसे मिला लिया, ये ऐसे, ये ऐसे। अब देखिए एक ही यूनिट सेल्स है, तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा, पूरा यूनिट सेल एक ही है हमारे पास, एक ही का आ गया। तो ये क्योंकि हम बॉडी के लिहाज से ले रहे हैं, तो ये एक पूरे एक बॉडी हो गई, ठीक है। बी सी सी है, बॉडी सेंटर्ड है, तो बॉडी सेंटर यानी एक बॉडी पे डिपेंड कर रहा है। अगर हमारे पास दो तीन क्यूब होते हैं आगे और क्यूब होता एक ऊपर होते हैं, तो हम उसके लिहाज से जितने होते हैं तो हम उसके लिहाज से बॉडी करते हैं, टू होते प्रतिदिन, क्योंकि हमारे पास एक ही यूनिट सेल्स है। तो बॉडी के लिहाज से तो हम एक ही बॉडी लेंगे, तो बॉडी की जगह 1 आ गया। फेस, अब फेस का हमारे पास कोई जिक्र नहीं है, हमें बॉडी सेंटर्ड के लिहाज से कहा गया, तो फेस हमारे पास 0 आ जाएगा। और प्लस कॉर्नर ओवर 8, कॉर्नर कितने हैं क्यूब के, कॉर्नर देखो ये 1 होता है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा कॉर्नर हो गया, चार ये हो गया, चार ने ये 1, ये 2 और ये 3, ये 4, यानी पांचवा इसको कह देते हैं, ये छठा कॉर्नर, ये वाला, ये सातवां और ये 8वां कॉर्नर। तो ये हमारे पास कुल कितने कॉर्नर बनते हैं, 8 कॉर्नर क्यूब के बनते हैं। तो एन हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे, एन इज इक्वल टू 1 बॉडी प्लस 0 फेस और 2, 0 आ जाएगा प्लस कॉर्नर 8 और 8, 8 कॉर्नर बनते हैं, तो 8 और 2, तो यहाँ से हमारे पास एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो ये हमारे पास हमने एन फाइंड कर लिया। अब हमारे पास जो फार्मूला है, क्योंकि हमने ए फाइंड करना है, तो इसमें हम वो वैल्यू पुट कर देंगे। अब वैल्यू पुट करने के लिए हमने ए इज इक्वल टू, अब देखो फार्मूले में हमारे पास एम है, मोलर मॉलिक्यूलर मास है, एन हमारे पास जो अभी हमने फाइंड किया ये 2 फाइंड किया है, नीचे हमारे पास रो डेंसिटी जो गिवन है और 7.9 एक्सपोनेंशियल 3, और ये हमारे पास एन जो है ये कैपिटल एन, ये हमारे पास एवोगैड्रो नंबर होते हैं। तो ये एवोगैड्रो नंबर हमने वैल्यू पुट करनी है, क्यूब लेना 1 और 3 पावर लेनी है, तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.866 एक्सपोनेंशियल माइनस 10 आ जाएगी। तो एक्सपोनेंशियल माइनस 10, क्योंकि हमारे पास एक्सपोनेंशियल 10 एंगस्ट्रॉम की इक्वल होता है, तो ए हमारे पास जो है एंगस्ट्रॉम में गिवन होता है, तो हम लिख लेंगे स्टैंडर्ड यूनिट में ए इज इक्वल टू 2.866 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये तो हमारे पास क्वेश्चन आज का हमारे पास, क्योंकि बॉडी सेंटर है, तो बॉडी सेंटर के लिए हमारे पास जो फार्मूला यूज़ होता है वो ये वाला यूज़ होता है। तो ये आपने फार्मूला याद रखना है, जब भी आप एन फाइंड करो तो उसके लिए आपके पास ये वाला फार्मूला आता है, तो ये आपने याद रखना है। फेस सेंटर के लिए अलहदा हो जाता है, बॉडी सेंटर के लिए चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये बॉडी सेंटर के लिए है, अगर फेस सेंटर के लिए होता तो ये हम इसमें फेस इंक्लूड कर लेते, बॉडी को इंक्लूड ना करते। तो ये हमारे पास किसके लिए है, क्योंकि हमारे पास क्या है, बॉडी सेंटर की है, तो ये हमारे पास बॉडी सेंटर के लिहाज से, ठीक है।
तो आज के लिए इतना काफ़ी। एक्सटर्नल नेस जो प्रॉब्लम है एक्सरसाइज की, एआर की पूरी की प्रॉब्लम्स हैं, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस वगैरह से मदद मिलती है तो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में मुझे बताइएगा। आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।